ट्रक ड्राइवर से लूट के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपियों ने बाईपास रोड पर हथियारों के दम पर ट्रक ड्राइवर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ट्रक ड्राइवर ने मोबाइल फोन, आधार कार्ड और नकदी लेकर ट्रक ड्राइवर से आरोपी भाग गए, जिसके बाद ड्राइवर ने पुलिस थाने में शिकायत की। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों ने प्लास्टिक की बंदूक दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पानी के पास में ट्रक रुक कर, जबकि विपाल सिंह ट्रक के माध्यम से जिंदल जा रहा था माल लोड करने के लिए, तभी तीनों द्वारा रास्ते रोककर प्लास्टिक नुमा पिस्टल दिखाकर इनसे मोबाइल, कुछ पैसे 500 रुपए और आधार। खबर इंदौर से मिल रही है।